मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर घाटकोपर से उदयपुर जा रही एक निजी बस के स्लीपर कोच में एक यात्री की खून से लथपथ लाश बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि यात्री के गले पर वार किया गया है। ये घटना चारोटी के पास में हुई है। एक निजी ट्रेवल्स की बस घाटकोपर से उदयपुर जा रही थी, जिसमें घोड़बंदर से एक यात्री स्लीपर कोच में बस में सवार हुआ था। चारोटी में जब एक अन्य यात्री लघु शंका के लिए बस से नीचे उतरा तो यात्री के जूते पर खून लगा होने के कारण बस में तलाशी ली गई तो पता चला कि इसी बस में एक यात्री खून से लथपथ हालात में पड़ा हुआ है, जिसके गले पर वार किया गया है। बस चालक ने इसे इलाज के लिए कासा के उपजिला अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। पता चला है कि इसकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। हालांकि कासा पुलिस द्वारा यात्री की शिनाख्त की प्रयास की जा रही है और प्रारंभिक जांच में ये भी जानकारी मिली है कि इसके जेब से कुछ ब्लेड भी बरामद किए हैं और पुलिस आगे की मामले की जांच पड़ताल कर रही है।